गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 18। आज हम सीखेंगे सेट लेवल का लेक्चर नंबर 18, जिसमें एट पहले तो आपको पेज नंबर 92 ओपन करना है। आपकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन बुक का पेज नंबर 92 ओपन कर लीजिए। उसके बाद हमने आपको लास्ट में पढ़ाया था कि किस तरह से अपने निवास स्थान के बारे में बताना होता है, जानकारी हासिल लेना होता है। उसी का एक कॉन्वर्सेशन यहाँ पे आया है, बातचीत यहाँ पे आई है। तो ये तीसरे नंबर का कॉन्वर्सेशन है आपका, और वो है एट बस स्टॉप या एट बस स्टैंड, जहाँ पे बहुत सारी बसें खड़ी रहती है उसे बस स्टैंड कहा जाता है। एट यानी कि लोकेशन बता रहे हैं कि कहाँ पे हैं, बस स्टैंड के ऊपर हैं। तो आपको एट कहीं भी लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं, पहले भी आपको बता दिया है। बी शॉर्ट सिंपल एंड क्लियर इन वॉट एवर यू से, आप जो भी कहें वो शॉर्ट कहें, सिंपल कहें, क्लियर करें, ये पहले भी आपको समझाया था। तो देखिए जो कॉन्वर्सेशन है एट बस स्टैंड, सुरेश और गोपाल के बीच की बात स्टार्टिंग में है। तो देखिए हम पढ़ते हैं एक एक डायलॉग को। तो सुरेश कहता है, एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी। अब किसी का भी आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी का ध्यान आकर्षित करना हो तो आपको बताना होता है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी का मतलब क्या हुआ, आप उससे बात करना चाहते हैं, वो अपना काम कर रहा है, तो आप उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी। फिर आप उससे पूछेंगे कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो फिर गोपाल कहता है ग्लेडली, ग्लेडली मतलब खुशी से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो फिर वो बोलता है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। देखिए पहले जैसे एक्सक्यूज़ मी बोल के उसने ध्यान आकर्षित किया, और फिर वो उससे पूछता है कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, वुड यू लाइक टू गिव मी योर हैंड एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा था, इट मीन्स कैन यू हेल्प मी। तो गोपाल कह रहा है ग्लेडली यानी कि खुशी से, एक एक नया नया शब्द आया तो आपको लर्न करते जाना है। ग्लेडली, ग्लेडली मतलब होता है ग्लेड मतलब खुशी, और ग्लेडली मतलब खुशी से। तो ग्लेडली यानी खुशी से मैं आपकी मदद करूँगा। फिर वो खुद पूछता है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो क्या बीच में आया तो व्हाट को आगे कर सकता है, मैं कैन निकाल दिया। ओके तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो फिर सुरेश कहता है वेयर इज़ द रिजर्वेशन काउंटर। अब एक नया वर्ड है यहाँ पे रिजर्वेशन काउंटर। जब हम बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे एक रिजर्वेशन काउंटर होता है। रिजर्वेशन का मतलब ये है कि आप पहले से ही अपनी सीट बुक करवा लें, क्योंकि आगे बाद में आपको असुविधा ना हो, और पहले ही एडवांस पेमेंट दे के आप सीट बुक करवा लें, तो वो रिजर्वेशन हो जाता है, उस पर आरक्षण हो जाता है। आपने देखा है कि रिजर्वेशन जैसी प्रॉब्लम भी हमारी इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, यानी आरक्षण जैसी समस्या है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन काउंटर कहाँ है, यानी कि जहाँ पे पहले से हम सीट बुक कर सकते हैं वो वाला काउंटर कहाँ है, कौन पूछ रहा है, सुरेश पूछ रहा है। तो गोपाल कह रहा है गो टू द सेकेंड डोर ऑन द राइट। देखो इसने क्या कहा, गो टू द सेकेंड डोर ऑन द राइट। अब राइट right क्या है, साइड है ना, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां, राइट right मतलब दायां। दायां जिससे आप, जिस हाथ से खाना खाते हो वो आपका राइट right हैंड है। ओके तो गो टू द सेकेंड डोर ऑन द राइट, आपको क्या करना है, दाईं तरफ दूसरे दरवाजे पे जाना है, तो वो आपको रिजर्वेशन काउंटर दिख जाएगा। ओके तो फिर सुरेश बोलता है थैंक यू फॉर हेल्प, आपने मदद की, इसके लिए आप
आपकी मदद के लिए धन्यवाद, एहसानमंद हूँ। तो अभी तक जो बातचीत हुई वो सुरेश और गोपाल के बीच में बातचीत है। उसने पहले एक्सक्यूज़ मी बोल के उसका ध्यान आकर्षित किया गोपाल का, और उससे पूछा कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो फिर गोपाल ने कहा था ग्लेडली, यानी कि खुशी से, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो फिर सुरेश ने पूछा था वेयर इज़ रिजर्वेशन काउंटर, वेयर इज़ द रिजर्वेशन काउंटर, यानी कि रिजर्वेशन काउंटर कहाँ है। तो फिर सुरेश ने जो जगह बताई है, गो टू द सेकेंड डोर ऑन द राइट, राइट साइड में आप सेकेंड डोर पे चले जाइए तो वहाँ आपको रिजर्वेशन काउंटर दिख जाएगा। तो ये जानकारी उसने दी, गो टू द सेकेंड डोर ऑन द राइट। तो इसके लिए फिर सुरेश जो है उसको थैंक यू, उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है। तो फिर गोपाल उसका रेस्पॉन्स कर देता है, दैट्स ऑल राइट, थैंक यू का रेस्पॉन्स उसने क्या किया, दैट्स ऑल राइट। एक जना कुछ भी एक्शन करता है तो दूसरा फिर उसका रिएक्शन देता है। तो इसने कहा थैंक यू, तो इसने बोला दैट्स ऑल राइट। कॉन्वर्सेशन, अब अकेले तो कॉन्वर्सेशन हो नहीं सकती है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में हम बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात को बढ़ा सकते हैं, अपनी बात को आगे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बातचीत आपको समझ में आई। अब वो कहाँ पहुँच गया, अब उसने डायरेक्शन बता दी, तो वो सेकेंड डोर ऑन द राइट, यानी राइट हैंड साइड पे सेकेंड डोर पे पहुँच गया, और उसने बोला एट द रिजर्वेशन काउंटर। अब जो बातचीत है वो रिजर्वेशन काउंटर पर हो रही है, तो रिजर्वेशन काउंटर पे क्लर्क बैठा है। तो सुरेश जाता है रिजर्वेशन काउंटर पे और वो उनसे क्लर्क को बोलता है, बाबू को बोलता है, क्लर्क मतलब होता है लिपिक, वहाँ पे जो बाबू होता है उनसे बोलता है मे आई हैव अ फॉर्म प्लीज, क्या मुझे फॉर्म मिल सकता है। इसने एक रिक्वेस्ट की है यानी परमिशन के लिए, मे आई हैव अ फॉर्म प्लीज, क्या मुझे फॉर्म मिल सकता है। तो फिर क्लर्क का तो काम ही है इसलिए तो बैठा है, तो क्लर्क बोलता है यस हियर इट इज़, हाँ ये रहा। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया हियर इट इज़, तो हियर इट इज़ का मतलब क्या हुआ, ये रहा। तो यानी उसको देते हुए, उसने हाथ से देते हुए उसको बोला ये रहा, हियर इट इज़। ओके, आपको भी कोई चीज़ बोलनी है, जरूरी नहीं आप बस स्टैंड पे ही बोलें, आपको कहीं भी कोई भी चीज़ बोलनी है तो आपको बोलना है हियर इट इज़। क्या बोलेंगे आप, हियर इट इज़, ये रहा। ओके, या हियर यू आर ऐसा भी बोल सकते हैं, क्लियर। अब उसने फॉर्म तो ले लिया, लेकिन उसके पास फॉर्म को भरने के लिए, रिजर्वेशन फॉर्म को भरने के लिए पेन नहीं है। तो सुरेश वापस क्लर्क को बोलता है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कुड आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो क्लर्क कहता है सॉरी, माफ़ कीजिएगा, यू कैन आस्क समबडी इन क्यू, आप लाइन में किसी से मांग लीजिए। अब पहले भी आया था ये वर्ड क्यू, क्यू में यू रह गए, इनका प्रोनंसिएशन नहीं हुआ, केवल क्यू को हम बोलते हैं। तो क्यू मतलब होता है लाइन या कतार, उसके लिए हम क्यू यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। तो उसने कहा नो सॉरी, मतलब उसने कहा सॉरी माफ़ कीजिएगा, यू कैन आस्क समबडी इन क्यू, आप लाइन में कतार में आपके पीछे जो भी खड़े हैं उनसे आप मांग सकते हैं, मैं तो आपको पेन नहीं दे सकता। ओके, तो आप भी किसी से पेन मांगेंगे तो आप बोलेंगे किस तरह से बोलेंगे, वो सेंटेंस अब आ रहा है। तो देखो सुरेश जो होता है वो सुमिता नाम की लड़की खड़ी होती है उसके जस्ट पीछे, तो वो उससे बोलता है, क्या बोलता है, कैन आई बोरो योर पेन प्लीज। देखिए बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, अगर आपको थोड़ी देर के लिए किसी से पेन उधार लेना है तो आप बोल सकते हैं कैन आई बोरो योर पेन, बोरो मतलब थोड़े टाइम के लिए उधार लेना, उसे हम क्या कहते हैं बोरो। तो क्या यूज़ करेंगे, कैन आई बोरो योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ, मतलब उस फॉर्म को भरना है तो आप या तो आप बैंक में भी जाएँ, आप कई बार ऐसा होता है कि हम बैंक में जाते हैं स्लिप भरते हैं तो हमारे पास पेन नहीं होता है, हमारे पास क्या नहीं होता है, पेन नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं किसी न किसी से हम पेन लेते हैं। तो अब आपको किसी से भी पेन मांगना है तो कैन आई बोरो योर पेन प्लीज़। ओके,
यानी थोड़ी देर के लिए आप पेन मांगेंगे तो आप सेंटेंस यूज़ करेंगे कैन आई बोरो योर पेन प्लीज़। क्या सेंटेंस यूज़ करेंगे? कैन आई बोरो योर पेन प्लीज़, क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है थोड़ी देर के लिए? तो सुमिता कहती है नो प्रॉब्लम हियर इट इज़। क्या बोलती है? नो प्रॉब्लम हियर इट इज़। अब देखो हियर इट इज़ इन्होंने भी बोला, और हियर इट इज़ कहाँ आया था? जब फॉर्म दिया था क्लर्क ने तो भी बोला था। तो कहने का मतलब इसने फॉर्म देते टाइम बोला हियर इट इज़, और यहाँ इसने पेन देते टाइम बोला हियर इट इज़। ओके, तो हियर इट इज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं? कोई भी चीज़ देते हुए बोलते हैं हियर इट इज़। ओके, जैसे यहाँ आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मांगा था मे आई हैव अ फॉर्म प्लीज़, तो उसने कहा था यस हियर इट इज़, क्या मुझे फॉर्म मिल सकता है? तो इसने बोला हाँ ये रहा। फिर इसने बोला कैन आई बोरो यू आर पेन प्लीज़, तो इसने बोला नो प्रॉब्लम हियर इट इज़, कोई दिक्कत नहीं ये रहा। तो ये रहा के अर्थ में हियर इट इज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हियर इट इज़ यहाँ भी है और हियर इट इज़ यहाँ भी है, दोनों जगह आप हियर इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई समस्या हो तो बताइए। ओके, अब आप देखिए आगे क्या है। अब जो बातचीत है वो बस के अंदर है, तो पहले हम अभी तक की दोनों बातचीत को रिपीट कर लेते हैं। पहले जो सुरेश हैं वो आता है गोपाल, सुरेश और गोपाल के बीच की बात है, तो रिजर्वेशन काउंटर के बारे में पूछता है। उसको पता नहीं है, वो अनजान है उस जगह से, उस बस स्टैंड से वो अनजान है। तो पहले सुरेश ने गोपाल से पूछा कि माफ़ कीजिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो फिर गोपाल ने कहा खुशी से आपकी मदद करूँगा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो फिर सुरेश ने कहा कि ये बताइए आपकी रिजर्वेशन काउंटर कहाँ है? तो फिर गोपाल कहता है गो टू द सेकेंड डोर ऑन द राइट, आप एक काम कीजिए दाहें हाथ की तरफ से दूसरे दरवाजे पे चले जाइए, तो आपको रिजर्वेशन काउंटर मिल जाएगा। फिर सुरेश बोलता है कि आपने जो मदद की उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो फिर गोपाल कहता है कोई बात नहीं, तो चलता है, ठीक है। फिर वो रिजर्वेशन काउंटर पे पहुँच गया, और रिजर्वेशन काउंटर पे पहुँचने के बाद जो क्लर्क यानी कि वहाँ जो बाबू बैठा होता है उससे वो बोलता है कि क्या मुझे फॉर्म मिल सकता है? तो फिर क्लर्क बोलता है हाँ ये रहा। तो फिर उसको बोलता है आपने फॉर्म तो दे दिया, तो मैं आपका पेन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? तो फिर बाबू बोलता है नहीं, आप लाइन में किसी से मांग लीजिए, मैं पेन नहीं दे सकता। मैं आपको पेन दे दूंगा तो मैं कैसे वर्क करूँगा, या बहुत सारे पेन ले जाते मुझे देते नहीं है, तो आप एक काम कीजिए आपके लाइन में जो पीछे खड़े उनसे आप मांग लीजिए। तो पीछे एक सुमिता नाम की लड़की खड़ी होती है, उनसे फिर वो सुरेश जो वो पेन मांगता है, तो कहता है क्या मुझे थोड़े टाइम के लिए फॉर्म भरने के लिए आपका पेन उधार मिल सकता है? तो फिर सुमिता कहती है कोई दिक्कत नहीं ये लो, ये रहा आपका पेन, ये लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक दो लेवल में बातचीत हुई। अब जो बातचीत है वो है इन द बस, बस के अंदर की बातचीत है। बस के अंदर क्या बातचीत हुई ये हमें देखना है। अब सुरेश जो है वो पास में एक पैसेंजर बैठा होता है, पैसेंजर मतलब होता है यात्री, या को पैसेंजर कह लो, आपके साथी यात्री जो भी है। तो उसको पैसेंजर को पूछता है, क्या पूछता है? कैन आई हैव अ सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? इसका मतलब वहाँ पे कोई दूसरा पैसेंजर बैठा हुआ था, तो उसने रिजर्वेशन करवा लिया पहले पेमेंट दे के। आप भी कभी रोडवेज वगैरह में जाते हो, नीचे से सीट बुक करवा लेते हो, फिर वहाँ जाके और अपनी सीट पे आप जाके बैठ जाते हो। तो बस के अंदर की बातचीत हो रही है, कैन आई हैव अ सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो ये किसने बोला? ये किसने बोला? सुरेश ने बोला। सुरेश ने क्या बोला? कैन आई हैव अ सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो फिर जो पैसेंजर हैं वो पैसेंजर सुरेश को बोलता है यू मे बट इट इज़ रिजर्व्ड फॉर मिस्टर सुरेश, हाँ आप बैठ सकते हो, लेकिन ये कोई सुरेश नाम का लड़का है उसके लिए रिजर्व्ड है यानी कि बुक है। तो उसको पता नहीं था कि इसका नाम ही सुरेश है, तो वहाँ पे हो सकता है। तो फिर उसने क्या कहा, आई एम सुरेश, मैं ही सुरेश हूँ, ओके थैंक यू, आपने ये जो कहा कि ये सुरेश के लिए जो बुक है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इज़ द बस ऑन टाइम, क्या बस टाइम पर चल रही है, यानी कोई लेट वेट तो नहीं है? तो इज़ द बस ऑन टाइम, क्या बस समय पर है? तो पैसेंजर कह रहा है दे हैव अनाउंस्ड,
अनाउंस मतलब घोषणा करना। दे हैव अनाउंस्ड दैट इट इज़ लेट, है ना, उन्होंने क्या कहा, दे हैव अनाउंस्ड दैट इट इज़ लेट बाय 30 मिनट्स। अब 30 मिनट की देरी से, तो से मतलब बाय लगाना, बाय 30 मिनट्स, ओके। तो ये पैसेंजर कह रहा है कि दे हैव अनाउंस्ड दैट इट इज़ लेट बाय 30 मिनट्स, उन्होंने ये घोषणा की है कि ये बस 30 मिनट देरी से हैं, ओके। तो फिर सुरेश जो होता है, वो सुरेश उनको पूछता है कि व्हाट टाइम डज इट रीच दिल्ली। अब रीच मतलब क्या होता है, पहुंचना, ओके। व्हाट टाइम डज इट रीच दिल्ली, सिंपल प्रेजेंट है, व्हाट टाइम डज इट रीच दिल्ली, ये दिल्ली कितनी बजे पहुंचती है। तो इट किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, उस बस के लिए, ओके। किसके लिए यूज़ हुआ है, बस के लिए, क्लियर। तो पैसेंजर बोलता है 6:40 इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह 6:40 पे पहुंच जाती है, 6:40 AM पे पहुंच जाती है, यानी कि सुबह 6:40 पे पहुंच जाती है, प्रोवाइडेड इट इज़ ऑन टाइम, अगर ये बशर्ते कि समय पे चले। तो प्रोवाइडेड इट इज़ ऑन टाइम का मतलब क्या होता है, बशर्ते कि समय पर चले। तो उसने क्या कहा, 6:40 इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह उसने पूछा कि व्हाट टाइम डज इट रीच दिल्ली, ये दिल्ली कितने बजे पहुंच जाती है। तो पैसेंजर क्या बोलता है, 6:40 इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह 6:40 पे वो दिल्ली पहुंच जाएगी, प्रोवाइडेड इट इज़ ऑन टाइम, बशर्ते कि ये समय पर चले, प्रोवाइड का वो टाइम पे चले, तो वो 6:40 पे पहुंचेगी, अदरवाइज नो। तो वो ऐसे बोलता है, जैसे उसने पूछा व्हाट टाइम डज इट रीच दिल्ली, तो बोले 6:40 इन द मॉर्निंग, प्रोवाइडेड इट इज़ ऑन टाइम, बशर्ते कि ये समय पर चले। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि बस में क्या बात हुई। उसने बोला कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो जो दूसरा पैसेंजर था उसने बोला कि आप बैठ तो सकते हैं, लेकिन ये जो सीट है ये मिस्टर सुरेश के लिए बुक है। तो सुरेश बोलता है मैं सुरेश हूँ और आपका धन्यवाद कि आपने ध्यान रखा, क्या बस समय पर है। तो फिर पैसेंजर कहता है कि उन्होंने ऐसी घोषणा की, ऐसा अनाउंस्ड किया है कि ये 30 मिनट देरी से है। तो फिर सुरेश बोलता है कि ये दिल्ली कितनी बजे पहुँच जाती है, या दिल्ली कितनी बजे पहुँचती है। तो वो बोलता है 6:40 पे सुबह पहुँच जाती है, लेकिन बशर्ते कि ये टाइम पे चले, यानी कि समय पर चले। तो ये यहाँ पे आपको कौन कौन से अच्छे अच्छे सेंटेंस लर्न कर लेना है, जैसे क्लियरली, खुशी से, किसी का ध्यान आकर्षित करना है एक्सक्यूज़ मी, किसी से मदद मांगनी है तो उससे पूछो कैन यू हेल्प मी, फिर वो पूछ, आप कह सकते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ठीक है, दैट्स ऑल राइट, थैंक यू के रिप्लाई में आप बोल सकते हैं, क्या मुझे फॉर्म मिल सकता है, मे आई हैव अ फॉर्म प्लीज़, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, कुड आई यूज़ योर पेन, ये रहा तो येस हियर इट इज़, ओके, और क्या मैं आपका पेन थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ, कैन आई बोरो योर पेन प्लीज़, बहुत सारे सेंटेंस आए जो आप लर्न कर सकते हो, ओके। और भी सेंटेंस है, प्रोवाइडेड इट इज़ ऑन टाइम, ओके, लेट बाय 30 मिनट्स, 30 मिनट की देरी से। तो इस तरह से के अर्थ में भी यहाँ पे बाय का यूज़ किया है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो कैन आई हैव अ सीट हियर, कि नहीं, इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस, जरूरी आपके बस स्टैंड पे ही काम आए, ये हर जगह कहीं भी कोई से भी सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हो। इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए होने चाहिए, राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट सेंटेंस आपके पास होना चाहिए। जो आप निश्चिंत रहिए, आप इस कोर्स को करते जाइए, आपकी सफलता की यात्रा में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और ये जो शुरुआत आपने और मैंने दोनों ने मिल के की है, इसको फिनिशिंग लेवल तक मैं प्रतिबद्ध हूँ, यानी कि कमिटेड हूँ आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, जो जो बताया जा रहा है उसी को फॉलो करना है, आगे कुछ भी एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जो बताया आपको उसको फॉलो करना है। तो हम आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे अच्छे यूज़फुल सेंटेंस इसमें से उठा के टंग प्रैक्टिस के थ्रू बोल के प्रैक्टिस करना। मैंने बार बार बोलता हूँ कि आपको मन में नहीं पढ़ना है, बोल के पढ़ना है, टंग पे पढ़ना है, नहीं तो मेरा श्राप है, आप कभी भी अंग्रेज़ी नहीं बोल पाओगे। तो आपको क्या करना है, बोल बोल के ही प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, मीट
soon in the next lecture. Thank you so much.